तो गाइस अभी जा रहा हूँ मम्मी को लेने में मामा जी के यहाँ, क्योंकि मैं गाइस मोर दिखवाता हूँ मैं। ये देखिए मोर, ये घुस गया पूरा, इधर पूरा एरिया मोरों से भरा हुआ है। एक देखिए बैठे, उठ नहीं पा रहे हैं ये मामा जी हमारे। चलो खुश रहिए। वीडियो बन रही है आपकी, पिक्चर पूरी। ये गाइस ये हमारे मामा जी हैं, इनको भगवान से भी लगाव है, पूजा पाठ में भी लगाव है, छोटे छोटे बच्चों के बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। गजब गजब, मामा जी को बहुत ज्यादा नॉलेज है मेरे बारे में। मुझे लगता है कितना नॉलेज किसी को नहीं जितना मामा जी को मेरे बारे में। नॉलेज क्यों ना रहे, हमने तुम्हें निशानेबाजी की शिक्षा दी है, क्योंकि आप हमारे भांजे हैं। निशानेबाजी में अब हम स्वयं अपने मुंह से क्यों कहें, हम भी नाम लिख देते थे एक समय गन से, और लाइसेंस धारी भी हैं, और वही शिक्षा दीक्षा गन की इनको बताई गई, और ये हमसे भी बहुत आगे गन चलाने में है। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी जा रहा हूँ मम्मी को लेने में मामा जी के यहाँ, क्योंकि मैं मम्मी गई हैं मायके, तो उनका फ़ोन आया था कि आके ले जाओ, तो अभी जस्ट जा रहा हूँ मामा जी के यहाँ, तो अब वहीं का ब्लॉग बनाऊँगा। तो गाइज अब निकलता हूँ मामा जी के यहाँ, टंकी में तेल डलवा ले फिर चलते हैं। गाइस मोर दिखवाता हूँ मैं, ये देखिए मोर, ये घुस गया झाड़ियों घुस गया, एकदम सामने था रोड में वो चला गया। तो देख सकते हैं वो रहा मोर, मेरे जस्ट पीछे है, लेकिन झाड़ियों में दिखे, झाड़ियों के साइड चला गया, यहाँ से कम ही दिख रहा है, जब जूम करूँगा तब दिखेगा। और इधर बहुत सारे मोर हैं, पूरा एरिया मोरों से भरा हुआ है, झुंड के झुंड मोर, एकदम जस्ट सामने मेरे था, ये 5 फीट की दूरी पर, जैसे कैमरा ऑन किया वैसे भाग के दूर चला गया। यहाँ मिल गए हमारे पूरे मामा, एक ये बैठे, उठ नहीं पा रहे हैं ये मामा जी हमारे। चलो खुश रहिए। वीडियो बन रही है आपकी, पिक्चर पूरी। ये गाइस ये हमारे मामा जी हैं, बेटू आ गया, बोला चला ना तेरी मामा जी का, बोला हरिवानी। आप लोग बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आज प्राप्त है ना सतनाम कलेक्टर संघ में, प्राप्त बहुत वीडियो कल आप दूं में, कल आप दिखाई देंगे, पूरी दुनिया देखेगी आपको। पुजारी मामा जी हैं ये, हमारे पुजारी मामा जी हैं, बहुत प्यारे मामा जी हैं ये, हमारा बहुत प्यारा भांजा है, चुम्मी लेने लायक है। आए उनका बच्चा बेटू, और ये मामा जी का बेटा अरे भांजे है भरत सर जी, और ये मैथमेटिक्स इंग्लिश में ख्याति प्राप्त हैं, और ये सतना में कई छात्रों का जीवन उज्ज्वल भविष्य बना चुके हैं। कोई भी बच्चा इनके पढ़ाने से फेल नहीं होता, बोर्ड कोई परीक्षा हो, 12वीं 10वीं सब बच्चे निकल गए, कॉलेज इंजीनियरिंग ITI, और संस्कृत में भी प्रकांड विद्वान हैं। और ये भरत सर जी हैं, ये सतना में इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और इनको लोग बहुत याद करते रहते हैं, और ये मृदुभाषी सहनशील युवा कर्मठ शिक्षक हैं, और इनकी शिक्षा दीक्षा सतना कॉलेज में, डिग्री कॉलेज महाविद्यालय में प्राप्त सर हैं ये, और ये जंगल में भी सीन बनाने के, जीव जंतुओं के प्राकृतिक बहुत प्रेमी हैं, झील झरनों का प्रकृति चिन्ह बनाते हैं, और ये इनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है। ये भरत सर ये चिड़ियों पक्षियों को दाना, उनको पानी, और जीव जंतुओं को अनाज भोजन पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, और कोई इनसे अगर मिलता है तो बड़े आभाव से उससे मिलते हैं, बड़े मृदुभाषी सामाजिक भरत सर हैं, हमारे भांजे जी भी हैं, पूजनीय हैं हमारे। धन्यवाद मामा जी आपको भी बहुत धन्यवाद। मामा जी मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, मुझे आज पहली बार पता चला कि इतना सारा जानते हैं, और निशानेबाजी में भी ये अव्वल हैं, ये सागर फायरिंग ट्रेनिंग बेस्ट फायरर भी हैं, और ये धनुष बाण गन और
गुल्ला जो हाथ से चला जाता है गुल्ले, जिसको गुल्ला बोलते हैं, रबड़ से खींच करके गोली चलाने में बहुत माहिर है। और ये हर फन मौला यानी सामाजिक नैतिक वैज्ञानिक किसी भी मामले में हो ये खोजकर्ता भी हैं, ये नई नई खोजें करते रहते हैं और ये जीव जंतुओं से इन्हें बहुत अधिक लगाव रहता है और ये कभी कभी अनायास जंगलों में जाकर के उनकी सीन बनाते हैं। प्राकृतिक प्रेमी हैं और ये कवि भी हैं, कविता भी लिखते हैं। मामा जी गजब की चीज़ मेरे बारे बताई। अब मुझे लग रहा था मामा जी सब चीज़ ना पता होगी, लेकिन पता नहीं कहाँ से गैस करते रहते हैं। देखते भाई रहते हमें इसलिए पता है कि हम तुम्हारे बचपना को जानते हैं। बचपन मेरा पूरा यहीं बीता है, पूरा यहीं बीता है और हम तुम्हारे जन्म से लेकर के जवानी तक तुम्हें देखते चले आ रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारी मनोभावनाओं को समझते हैं और तुम्हारे विचारों को जानते हैं। और अब क्या कहें आगे, अब इसके आगे ज़्यादा इनका रामायण कथा से रामचरितमानस से भी लंबा लगाव है और ये हमारे वैदिक धर्म के प्रेमी हैं, इनको भगवान से भी लगाव है, पूजा पाठ में भी लगाव है, छोटे छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गजब गजब मामा जी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेरे बारे में। मुझे लगता है कि इतना नॉलेज किसी को नहीं जितना मामा जी को मेरे बारे में। नॉलेज क्यों ना रहे, क्योंकि अब हमारे सामने आपका जन्म हुआ, आप बड़े हुए, खेले खाए हमारे आंगन में, पले बढ़े बड़े हुए, हम लोगों ने तुम्हें गोदी में खिलाया भी है और हमने तुम्हें निशानेबाजी की शिक्षा दी है, क्योंकि आप हमारे भांजे हैं। निशानेबाजी में अब हम स्वयं अपने मुंह से क्यों कहें, हम भी नाम लिख देते थे एक समय गन से और लाइसेंसधारी भी हैं और वही शिक्षा दीक्षा गन की इनको बताई गई और ये हमसे भी बहुत आगे गन चलाने में है। जीव जंतु नहीं मारते, हम पर्यावरण के जीव जंतुओं के प्रेमी हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु के नर रजनिचर कृपा कर अवसर्व। तो जीवों से प्रेम करना ये हमारे भांजे का प्रथम धर्म है और यही हम चाहते हैं कि सब लोग जीव जंतुओं पर दया करें, सबके ऊपर कृपा करें। और क्योंकि एक चौपाई और भी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले सिया राम चंद्र भगवान की जय। तो गजब के मामा जी हमारे ये बहुत विद्वान हैं, डबल एमए पढ़ाई की है, मतलब पूरे एरिया में यहाँ पे मामा जी के बराबर कोई पढ़ाई नहीं कर पाया है। डबल एमए इन्होंने ऐसी राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र से किया सतना डिग्री कॉलेज से। हाँ, और हमें भी जीव जंतुओं से बहुत प्यार है। हम इस समय भीषण गर्मी में जगह जगह पानी दाना ये व्यवस्था करते हैं और सब में सिया राम मैं सब, जब भगवान सिया राम है सब में, तो उनको जीव जंतुओं से प्यार करना ये हमारा हिंदू धर्म है। और हम यही कामना करेंगे कि यानी हमारा पूरा समाज जितना संसार है पूरा जीव जंतुओं पर कृपा करें, क्योंकि वो मूक बाचाल है। मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है, 84 लाख योनियों में मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। जीव जंतु सिर्फ अपना भरण पोषण करना जानते हैं, उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना, दाना पानी देना, ये हमारा परम धर्म है, सबका परम धर्म है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मामा जी गजब की चीजें बताई, बहुत मजा आया मामा जी से मिलकर। हाँ, क्यों नहीं आएगा, ये आपका ममान है और भांजा तो यानी भगवान का रूप माना जाता है। भांजे सबके लिए, मामा के लिए तो भगवान होते ही हैं, पूजनीय वंदनीय भी हैं। और अब आगे क्या कहें, फिर शेष चर्चाएं बाद में की जाएगी। मामा जी कितने भांजे हैं टोटल आपके? हमारे कम से कम 18 भांजे। सबसे प्रिय भांजा कौन है? सबसे प्रिय वैसे तो सभी प्रिय हैं, पर सबसे ज्यादा लगाव आप ही से है, क्योंकि मैं शिक्षा के बहुत महत्व देता हूँ। शिक्षा के विषय में अगर शिक्षित है कोई, उसका मैं बहुत महत्व देता हूँ। ये शिक्षित है, शिक्षित होने के कारण दयालु भी है, दया धर्म भी है और ये धर्म कर्म जानते हैं
अशिक्षित हैं ही, इसलिए मैं इनको ज्यादा चाहता हूँ। ये वजह है और कोई नहीं। धन्यवाद। हनुमान जी महाराज की जय। बोले सियावर राम शंकर भगवान की जय। ओम नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले राधा वर कृष्ण भगवान की जय। तो मामा जी को बहुत बहुत नॉलेज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे पूरे गांव में 4 गांव 10 गांव मिला के भी मामा जी बराबर कोई शिक्षित नहीं होगा। बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण की है और इन्हें हर तरह का नॉलेज है। हाँ, सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं पर दया करना, प्राणी मात्र पर दया करना, ये हमारा परम धर्म है। हम सवेरा होते ही उनकी ही सेवा में लग जाते हैं। सब मम्मी आ रही मेरी। तो मम्मी आ गई उनकी, तो आप भी कुछ बोलेंगी इस विषय में? ठीक है, जीव जंतुओं के विषय में कुछ आप भी बोलेंगी। दीदी हमारी, ये हमारी दीदी हैं। इधर आइए, हमको गोदी में खिलाई हैं। इधर आ जाइए। हमारे जन्म काल से ये पानी पिलाते हैं जी। हाँ, पानी भर के रखते हैं, हमको गोदी में खिलाए। हम पानी भर के हम भी रखते हैं। हमारी दीदी भी आई थी अभी यहाँ, एक हफ्ते हो गए इनको आए तो। हाँ, चावल दाना शक्कर के दाने चींटियों के लिए दीदी और हम दोनों सवेरे डालते। मीठा भी लाते, मीठा भी कभी कभी उनको मीठा का टेस्ट भी खिलाते हैं, सब खिलाते हैं। और उनको कभी कभी यानी फल का भी टेस्ट कराते हैं जीव जंतुओं को, चींटियों को शक्कर डालना, मीठा डालना, पानी रखना, कुत्तों को रोटी देना, कौओं को रोटी देना, गरीब गुरुओं की मदद करना, कोई दीन असहाय आ जाए उसकी सेवा करना, नगद की जरूरत पड़े जो भी सामर्थ्य है हमारे, भूखा प्यासा कोई भी आ जाए, अतिथि देवो भवा, ऐसा हम और हमारी दीदी अभी मने कर रहे हैं। तब मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का अंत करता हूँ गाइस। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय।